हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग टूर्नामेंट H4K डे 2 का मैच नंबर 3 सैनोक ओवरऑल बोली जाए तो हमारा ये मैच नंबर 8 टूर्नामेंट का 4 मैच बाकी और ऑलमोस्ट हमारे 4 मैप में हाँ 4 मैप बाकी जिसमें 2 वीकेंडी बाकी हैं और एक मिरामर और एक रेंगल सॉरी ज़्यादा ही बोल दिया, चारों ही मैच बाकी हैं अब 8वां के मैच के बाद सही है। फिलहाल 78 प्लेयर ज्वाइन किए हैं, 21 टीम्स इस बार, 20 टीम्स इस बार या टीम डेविल्स एंड टीम INT 2 टीम्स कम होंगी, 20 टीम्स 78 प्लेयर्स। टीम VHS टीम सोस वैनम कमबैक की बात करें तो पहला गेम रेज ऑफिशियल के लिए कमबैक गया था, दूसरा गेम की बात करें तो सेविन का कमबैक हुआ था और बाकी जो बात करें हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो टॉप 5 की टीम्स थी उनमें हमें बस एक टीम फैनम ऐसी नज़र आई है और फेथ का भी बोलूँगा 6 पे थी जो कंसिस्टेंट उन्होंने अपना अपना जो उनका कंसिस्टेंट गेम प्ले है वो दिखाया है। बाकी सोच थोड़ा पीछे गई है और TW ऑफिशियल भी यहाँ पीछे आते, देखिए टीम रेज ऑफिशियल खाओ उनका ऑफिशियल ड्रॉप, उनका ड्रॉप लोकेशन खाओ वहाँ पर आई है वो, उनको कम्पीट करने के लिए टीम 7 आ चुकी है उसी ड्रॉप पे, टीम 7 वर्सेस टीम रेज ऑफिशियल ड्रॉप फाइट। आई थिंक 7 के प्लेयर्स जाना चाहिए पीछे, आई थिंक 7 के HRZ यहाँ पे एस जी आगे चले गए हैं, थ्योरी का शायद यहाँ पे फाइट इंगेज हो सकता है यहाँ पर देखना होगा। फिलहाल बाकी देखते हैं टीम सब का ये है, टीम उन्हीं के थोड़ी दूर वाले कंपाउंड लूटेगी, टीम सोच VHS एंड वैनम काफ़ी एक दूसरे के करीब लूटेंगे और वैनम हमेशा की तरह लूटती नजर आती थी। सहमे की बात करो तो वहाँ डैमन गई है, टीम रेज 2 गई है, टीम राइजन गई है, तीन टीम सहमे में नज़र आएंगी। फाइनल में बात करें तो S24 इस बार कॉम्पीट करने जाएगी टीम मेजर को, या एक क्रूशियल मोमेंट होगा मेजर के लिए ये भी, टीम राइजन वर्सेज रेज सेकेंड होता हुआ, टीम राइजन के प्लेयर्स में नोक करते हुए फिलहाल मेजर आमिर फाइट में एंगेज भी हो रहे हैं, राइजन के प्लेयर भी कूल बॉयज कैंप अल्फा में गई हैं, उन्हीं के साथ टीम फेथ भी है ड्रॉप पे फाइट होगी, मेजर हमाद को यहाँ नोक कर चुके हैं, टीम सुपर गर्ल प्लेयर वुड कैंप के अंदर टीम शेडो एंड TW सेकेंड दिखेगी, सेफरून ऑलरेडी यहाँ नोक एंड फिनिश ऑफ कर चुके हैं सेफरून। फिलहाल एक अभी चार टीम S24 यहाँ पर फाइट ले रही है, बाबा इस पर डाल रहे हैं, बाबा सवाले को नोक करेंगे फिनिश ऑफ करेंगे कि नहीं वो देखना होगा। फिलहाल मेजर के 2 प्लेयर्स बचेंगे, जैद एंड आमिर, जैद काफ़ी लो हो चुके हैं, फर्स्ट एड पॉपिंग कर लेंगे जैद यहाँ से अब अपने आप को, फिलहाल आमिर बचे हुए हैं TPP लिए खड़े हुए हैं आमिर भी, 4 मुस्टेकर्स के साथ फाइटिंग है जो कि टीम BB की जो होगी हमारी पैराडाइज रिसोर्ट में, टीम CHB कैमरा वो लूट करती नजर आएगी और यहाँ पर मुंगाई का एरिया टीम नाग लूट करेगी, TW ऑफिशियल क्वेरी का एरिया लूट करेगी और टीम शेडो एंड TW की सेकेंड टीम हमारी वो लूट करेगी बुट कैम, रेस सोनू यहाँ पर नॉकआउट देते हुए रेस सोनू टीम 7 के प्लेयर्स को, बुट कैम के अंदर भी फाइट हो रही है, टीम रेज ऑफिशियल टीम 7 से फाइटिंग एज कर चुकी है, 7 के HRZ नोक हो चुके हैं, लास्ट गेम काफ़ी अच्छा गया था यहाँ ड्रॉप लोकेशन वाली फाइट पे, यहाँ बैकवर्ड चली जाती हैं टीम्स अगर यहाँ ड्रॉप लोकेशन में फाइट हार्ड ख़त्म हो जाती हैं या निकल अपोनेंट की टीम चली फाइट निकल जाती है तो, थ्योरी फिलहाल स्मोक किए हैं अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए लेकिन टीम रेज ऑफिशियल बिल्कुल ना लेट होते हुए उनके ऊपर स्लैमिंग कर चुकी है, टीम TW सेकेंड टीम यहाँ पे टीम शेडो से फाइटिंग एज करी है, शेडो ने यहाँ पे अभी शेडो का लास्ट प्लेयर SRD बचा हुआ है और TW की बात करूँ तो चंदन ऑफ फिलहाल 1v1 फाइट शेडो का SRD उपिंदर चैट गाइस पूरी टीम को बचा के ले गए ये प्लेयर, वुड कैम्प की फाइट 4 किल TW सेकेंड की उठा चुकी है टीम शेडो। क्या रेज ऑफिशियल की बात करें तो उन्होंने टीम 7 के प्लेयर्स को यहाँ से बैकबर डाला है, पिछले गेम का चिकन डिनर वाली टीम, फिलहाल रेज ने भी कम बैक बोलूँगा, रेज का भी दोनों गेम्स अभी तक के एक चिकन डिनर और एक सेकंड बाया, टीम फेथ फाइटिंग एज हो चुकी है, टीम कूल बॉयज से कैंप चार्ली में फाइट, टीम कूल बॉयज के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, किरोंटा लास्ट मैन होप, टीम फेथ अपनी पहली फाइट हमेशा की तरह निकालती हुई 3 किल देते हुए डार्क एक माय, टीम फेथ ओपन द गाइस 4 किल्स उनके पास, 18 टीम 65 प्लेयर्स अभी हमारे लाइव रहेंगे, 2 टीम से एलिमिनेट हो चुकी है हमारी TW सेकंड एंड टीम कूल बॉयज। कल का जो दिन टीम कूल बॉयज का गया था वो उनके लिए फ़ायदेमंद था लेकिन आज के दोनों ही गेम 3 गेम उनके लगातार ख़राब हो चुके हैं यार। फिलहाल रेस सेकंड से भी फाइट यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी टीम राइजन वर्सेज रेस सेकंड, राइजन के प्लेयर्स धीरे धीरे करके रेज के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करते नजर आ रहे हैं, टाइसन एंड इटाची 2 प्लेयर्स बचेंगे, गोड एंड हल्क
यहाँ पे टाइसन हो एक सोलो ही बचेंगे वहाँ पे राइजन के, राइजन में फंसे हुए राइजन के प्लेयर्स ने दो किस टीम रे सेकंड के लिए लिए हैं। एक अंबर नोट कर रखा है टीम डायमंड के प्लेयर्स भी 3 मैन स्क्वाड के साथ लूट करते नजर आएंगे वो, यहाँ टीम डायमंड 3 मैन स्क्वाड खेलेगी। टी डब्ल्यू ऑफिशियल काफ़ी बड़ा एरिया क्वेरी का लूट करेगी। जोन की बात करें तो जोन में जाना होगा सफ सोस वी एच एस वैनम राइजन रेस टू डायमंड फेथ इन सारी टीम्स को। और एस टू फोर की और मेजर की फाइट में हाँ दो प्लेयर्स टीम मेजर ने अपने खो दिए हैं, जैद एंड आमिर आगे अभी सर्वाइव करते नजर आएंगे टीम मेजर के लिए। और टीम एस टू फोर के प्लेयर चारों ही प्लेयर्स यहाँ पर अभी यहाँ सर्वाइव करते नजर आएंगे। फिलहाल जैद की बात करें तो जैद ज़रूर अभी उस एरिए में हैं अभी जहाँ से वो एक फाइट स्पॉटेड हो सकते हैं एस टू फोर को अगर हो तो। अभी फ़िलहाल पाइनन के ही काफ़ी एज ऑफ द जोन एज पे ही हैं, थोड़ा दूर निकल चुके हैं शायद, बहुत दूर हो जाएगा यहाँ से एस टू फोर को उन्हें स्पोर्ट करना। या सोस एंड जो सफ की एक फाइटिंग एज है यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो वी एच एस एक थर्ड पार्टी कर सकती है। फिलहाल सोस के प्लेयर्स ने एक मोलोडोल किया था या टीम सफ के प्लेयर्स ने वो देखना होगा। यहाँ अभी टीम सफ बैठी हुई है हैट इन में ये फाइट, वी एच एस पीछे से रोटेशन डाल ही रही है उसका भी ध्यान उन्हें देना होगा। वी एच एस का डुओ यहाँ पर आया है, ये वी एच एस एश एंड कप्तान का यहाँ से रोटेशन जा रहा है और उनके दो प्लेयर हम्माद का और इनिग्मा का वैनम की साइड से रोटेशन जाएगा। जी हाँ फिलहाल ये रोटेशन डाल रही है शांति से, उनके पीछे टीम सफ एंड सोच जो फाइट हो रही थी उनकी वो कंटिन्यू, उन्हें साउंड नहीं आया क्योंकि गोली चली गई, आवाज़ नहीं आई होगी आई थिंक। जो मैं स्क्वाड की बात कर रहा था वो इस गेम में दिखा है, एग्री अजीत पर्थ डोरू टीम सोर्स यहाँ पे अपने मेन स्क्वाड के साथ चारों ए प्लेयर्स उनके एग्री सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टीम सफ के प्लेयर्स को। यहाँ पर काइंड यहाँ पर टीम सफ का प्लेयर एक स्पॉटेड आते हो चुका था, यहाँ काइंड स्पॉटेड ज़रूर हुए थे, पीछे जाते नज़र आए हैं बिल्कुल यहाँ पे सामने से स्पॉटेड थे। एग्री चाहते तो शायद नोक दे सकते थे यूजी के साथ। काइंड यहाँ पे अभी टीपी भी लेंगे, यहाँ पे पीक देंगे कि नहीं वो देखना होगा सोस के एग्री को। फिलहाल टीम सोस के एग्री अभी होल्ड करे बैठे हैं। यहाँ 6x यहाँ पे स्विच इन कर लिया है उन्होंने, जोन आ चुका है, जोन एक थोड़ा बीटी ज़रूर देगा, जोन में निकलेंगे पहले या नहीं वो व्हीकल अभी उनके पास है। पर्थ यहाँ पे पहला नोक निकाल चुके हैं, पर्थ ने यहाँ पे काइंडी का नोक निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा मदद देगा लेकिन ड्रैगर उन्हें स्पोर्ट कर चुके हैं। पर्थ को नोक करा है फिनिश हो भी डालने की सोच, लेकिन एग्री का यहाँ पे कवर फायर आता हुआ ड्रैगर को उन्होंने स्पोर्ट करा दैन पर्थ शायद उसके चलते यहाँ बच सकते हैं। यहाँ फिलहाल वो ब्लड आउट तो ब्लड आउट भी काफ़ी है, जोन का डैमेज भी पड़ेगा, रिवाइवल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर्थ को। हाँ फिलहाल पर्थ पीछे की ओर जाएंगे, काइंडी नोक पड़े हुए हैं उनको भी रिवाइवल देना चाहिए टीम सफ। एग्री ने एक लेफ्ट हैंड साइड पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे उनको एग्री ने पिन करके रखा हुआ था, पर्थ को रिवाइवल मस्ट यहाँ पे बनता है। फिलहाल पर्थ जी यहाँ रिवाइवल आई थिंक हो जाएंगे। जी हाँ अजीत पूरा अब यहाँ से एग्री पूरा ट्राई कर रहे हैं उनको रिवाइवल ना दिया जाए और उन्हें नोक भी निकाल लिया जाए। सफ की बात करें तो कांडी को भी रिवाइवल ड्रैगर दे रहे हैं, ड्रैगर को काफ़ी लो भी किया था। मैगिस्टर क्लोज इन जा चुके हैं एग्री के एंड डोरू के ऊपर वो पिन रखेंगे। टीम सोस फिर से इनिशियल फाइट यहाँ पर इंगेज हुई है टीम सोस की, वो कैसे निकलेगी वो देखना होगा। टीम रेज सेकेंड की बात करूँ तो वो रोटेशन जो हमने जाटिल नजर आएगी क्योंकि टीम राइजन वहाँ से फॉल बैक कर चुकी है। टीम फेथ एंड टीम डामन वहाँ पर काफ़ी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, वहाँ एक फाइटिंग एज उनकी भी हो सकती है। वी एच एस ऑलरेडी इन द जोन पहुँच चुकी है, फेथ ने यहाँ पर फाइटिंग एज कर दी है टीम डायमंड के प्लेयर से। टीम डायमंड का एक प्लेयर नो कैन फिनिश ऑफ फेथ कर चुकी है, दो प्लेयर्स बचते हैं डायमंड के शेयर एंड जोकर। यहाँ किल्स उनके पास टीम डायमंड के पास अभी तक कोई किल नहीं है, टूर्नामेंट का कोई किल नहीं है। खराब परफॉर्मेंस जरूर अभी तक देखने को मिला है, यहाँ कम बैक आता कब है उनका ये देखना होगा, चिकन डिनर कितनी देर में आता है उनका ये भी देखना होगा। फिलहाल उन्होंने फ्लेयर रोप मंगाया था उसमें कब्जा आई थिंक टीम फेथ कर लेगी, MK 14 एंड होगा ये फ्लेयर रोप में। टीम डायमंड के प्लेयर्स ऊपर निकलना चाहते थे, डायमंड के शेयर होंगे नोक, डायमंड के जो होगा लास्ट होप वो अभी अपनी टीम डायमंड के लिए बरकरार रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल स्पॉटेड वो भी हैं, स्विच को उन्होंने स्पॉट स्प्रे दिया था एंड वो भी होंगे फिनिश ऑफ। फिर से टीम डायमंड की टीम सफ के ऊपर एक नोक निकाल लिया टीम सोस ने, वहाँ पर टीम फेथ तो ऑलरेडी 3 किल्स और अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ टीम सोस की बात करें तो यहाँ शायद टीम सोस क्लोज इन करेगी क्योंकि हीलिंग्स तो अभी पहली फाइट में हीलिंग्स उनके पास बेशक रहेंगे। डैगर को यहाँ पे डाउन करेंगे अजीत और पर्थ भी नोक होंगे, काइंडी उन्हें काफ़ी लो कर रहे थे, काइंडी प्ले जो उनसे नोक हो जाएंगे आई थिंक।
फिनिश ऑफ करना चाहते थे, प्ले जॉनसन नोकेंगे और फिनिश ऑफ उनको अजीत डालेंगे। सफ अभी ने यहाँ पे नोक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया है डोरू को, अभी बचे हुए हैं बैंडेज पोपिन करें, फर्स्ट एड पोपिन करें, वो डबल माइंड हो चुके हैं और वहाँ पर्थ को रिवाइवल दिया जा रहा है। अभी फिलहाल होल्ड करेंगे, अभी अब फर्स्ट एड लगाएंगे, अब बैंडेज लगा रहे हैं, अभी भी तीन ही बैंडेज उनके पास, तो शायद टीम यहाँ पर फिनिश ऑफ होते नज़र आ सकती थी। लेकिन मैंगस्टरम की दूसरी ओर भी हैं, वो भी एक ध्यान देने वाली बात होगी। फिलहाल अजीत जा रहे हैं, पर्थ रिवाइवल हो चुके हैं, यहाँ पर्थ की फर्स्ट एड भी पोनी हो चुकी है, एग्री वर्सेस मैंगस्टर चल रहा है, एग्री की फाइट मैंगस्टर से वहाँ इंगेज हो चुकी है। टीम सोच ने अपना एक प्लेयर खो दिया, अभी के ऊपर पीछे से क्लोज इन जाता हुआ, आगे से पूछ जाता हुआ, दोनों साइड से अभी भी नोक हो जाएंगे। लास्ट मैन सर्वाइवल ऑफ सफ मैंगस्टर, यहाँ सर्फ मॉर्निंग स्टार यहाँ पे स्पोर्ट पूरा डीपी पी लिए बैठा हुआ है टीम सोस के ऊपर को, वो नोक करेगा वहाँ से दूर से, फिनिश ऑफ तो शायद नहीं डाल पाएगा। एग्री देखते हैं, अब एग्री अभी तक होल्ड करेंगे, मैंगस्टर लास्ट होप है। टाइसन हुआ फिनिश ऑफ होंगे विद अ जोन, इटाची आई थिंक जोन में आ चुके हैं। टीम बीबी से फाइट टीम फोर में, फोर मुस्टेकर्स की होती हुई ये फाइट पैराडाइज रिसोर्ट में, ड्रॉप लोकेशंस की फाइट थी, अभी तक कंटिन्यू चल रही थी, तभी स्नोक हुए हैं, रिवाइवल भी उन्हें दिया जा रहा है। टीम नाक भी उनके काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कर सकती है। मेजर आमिर ने एक नोक निकाल दिया है, टीम राइजन के रोहित को नोक करा है मेजर आमिर ने, एक चेंजिंग आजम की जगह यहाँ आमिर दिखे हैं। टीम मेजर 2v4 फाइट ले रही है, राइजन गुड्डू को भी नोक करेंगे मेजर आमिर, मेजर आमिर इज ऑन फायर गाइस, लेकिन वैनम यहाँ डेड पार्टी कर देगी। राइजन गुड्डू का किल स्टीलिंग भी हो सकती है, यहाँ मेजर आमिर फिनिश अप करेंगे कि नहीं। फिलहाल राइजन वाइपर को मेजर आमिर ने काफ़ी लो कर दिया 1 HP, राइजन गुड्डू का यहाँ किल स्टील होता हुआ, वैनम के माइम करते हुए वो किल स्टील। टीम राइजन मुश्किल में ज़रूर थी, लेकिन अब वो थोड़ा बाहर आ चुकी है क्योंकि उनके तीन प्लेयर्स अब खड़े हो चुके हैं। यहाँ वाइपर अपने आप को हील करेंगे, जी हाँ लोग काफ़ी देर, वो मेजर आमिर डे पे प्लेयर खड़े हुए हैं, राइजन रिंटू को वो बहुत अच्छी तरीके से एक एम से नोक करेंगे, रोहित को भी नोक करेंगे मेजर आजिम, मेजर आमिर भाडा गेम प्ले ब्रो। 1v4 ऑलमोस्ट इनका हो गया था, एक प्लेयर उनका किल जरूर स्टील हुआ है, तो 1v3 बोलूंगा मैं। फिलहाल टीम मेजर के आमिर ओपन द चैट गाइस, 15 टीम 51 प्लेयर्स, टीम सोर्स जो क्या टीम सबके प्लेयर्स मैंगस्टर को फिनिश ऑफ कर चुकी है, आई थिंक हाँ टीम सोस ने यहाँ 4 किल्स उठा लिए हैं। डोरू अपना खोया है उन्होंने, जोन में वो जाएंगे उस व्हीकल से जो एग्री वहाँ पे लेके गए थे, उसके चलते ही उन्होंने शायद ये फाइट लॉन्ग रखी है, व्हीकल ना होती तो एक स्कैम भी हो सकता था। इटाची होल्ड करेंगे अभी जोन के ऊपर, टीम बीबी के ड्रैकला नोक होंगे इस बार, फोर मुस्टेकर्स के विनोद गरिया नोक करेंगे उनको, चार जिन तो अभी देखते हैं। इफ मीनू बैक आ चुके हैं, जो पिछले गेम में फोर मुस्टेकर्स के लिए नहीं थे, उस टीम की जान हमें विनोद गरिया और इफ मीनू भी नज़र आते हैं, दोनों ही प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक का गेम खेला था। मशीन गन बाबा के पास मशीन गन है टीम बीबी के, एंड बाकी प्लेयर्स के पास अभी ड्रैकुला रिवाइवल हो चुके हैं, हील भी वो हो चुके हैं, या हील भी वो लगा चुके हैं। बाकी जोन जाता है हमारा बूट कैंप पैराडाइज रिसोर्ट का एरिया, वैनम पहले जोन में एंटर होने वाली है, बूट कैंप का एरिया शायद वैनम होल्ड करेगी। रेंज इटाजी थोड़ा दूर से फ्लैंक डालेंगे, क्वेरी की ओर से टीम S24 जाएगी, फेथ भी रोटेशन डालेगी, टीम CH भी ऑलरेडी इन द जोन आनी चाहेगी, टीम VB वर्सेस जो फोर मंथ से चल रहा हुआ, टीम नाके प्लेयर दूसरा अपना मुंगा इससे रोटेशन डाल चुके हैं। फिलहाल टीम बीबी वर्सेस फोर मुस्टेकर्स पैराडाइज रिसोर्ट में ये दोनों ही टीम्स की फाइट। अच्छा टीम मेजर के आमिर को यहाँ नोक कर दिया है वैनम के LQ प्लेयर ने, वो फिनिश ऑफ क्या है, आमिर फिनिश ऑफ हो जाएंगे या जैद रिवाइवल देने में सक्षम होंगे। फिलहाल तो आई थिंक रिवाइवल मिल जाएगा, कवर से होंगे, इतना ज़्यादा बीटी नहीं होना चाहिए, लेकिन वैनम के प्लेयर पिन करके रखे हुए थे पीछे से भी अपने प्लेयर्स को, दोनों ही ओर ध्यान बनाए हुए हैं टीम वैनम के प्लेयर्स। 15 टीम्स बची हुई हैं हमारी, 51 प्लेयर्स, इट्स नॉट इजी ब्रो, 4 घंटे कास्टिंग। मेजर जैद स्प्रे डाउन करते हुए वैनम के ऊपर, वैनम के ऊपर एंड आमिर का तो आज यहाँ एक चेंजिंग नजर आई है, आमिर की मेजर आमिर को यहाँ पे चेंज में लाया गया था, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर वो आए हैं मेजर आमिर, अभी रोटेशन डालते नज़र आ रहे हैं, एक सही रोटेशन आई थिंक उनका जा रहा है, अच्छा गेम प्ले उसका देखने को मिला है। फिलहाल S24 टीम फेयर से फाइट लेते हुए, S24 ने दो नोक निकाल दिए फेथ के ऊपर, थोड़ा बैक जा सकते हैं, लेकिन MP यहाँ पे एक कवर फायर में नोक निकाल के अपने प्लेयर को शायद यहाँ बचा सकते थे, यहाँ बचाने का पूरा ट्राई रखेंगे वो, यहाँ पर X&X यहाँ पर जो प्लेयर करके है वो या फिनिश ऑफ हो जाएगा, वो भी एक देखने वाली बात, फिनिश ऑफ कर देगा क्या माइक को, वो देखने वाली बात। वैनम के माहिम को नोक कर चुके हैं मेजर आमिर, मेजर आमिर इज ऑन फायर, वैनम के माहिम को फिनिश ऑफ भी डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ S24 के प्लेयर फिनिश ऑफ डालेंगे,
या फेस्ट ऑफर के प्लेस या फिनिश ऑफ डालेंगे एक प्लेयर को। फिलहाल 3 मैन उसका टीम फेथ हो चुकी है, 7 किल्स उनके पास है। फेथ के डार्क सेफ्रोन को नोक कर चुके हैं, टीम एस टू फोर का एक प्लेयर नोक हो चुका है। तो अभी इतनी जल्दी पुशिन टीम फेथ अपने ऊपर करने नहीं देगी। टीम वानम ने एक प्लेयर अपना खो दिया है, वानम का माहिम या मेजर आम ही बहुत ही अच्छी तरीके से मेजर को किल्स दिलाता हुआ। 4 किल टीम मेजर के पास हो चुके हैं, चारों ही किल्स मेजर आमिर के पास है। फिफ्टीन टीम 49 प्लेयर्स हमारे बचे हुए हैं और जोन हमारा क्लोजिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। जोन नंबर थर्ड, जोन फोर्थ बनेगा अब हमारा, वो देखते हैं जोन किस टीम्स को फेवर करेगा। रेज ऑफिशियल बूट कैम्प के काफ़ी बूट कैम्प एंड पैराडाइज रिसोर्ट के मिडिल एरिया वो लेके बैठेगी। यहाँ हमारा यहाँ से बन चुका है जोन, टीम सोर्स वर्सेस VHS। VHS हमाद को सोर्स ने नोक एंड फिनिश ऑफ दे दिया है। जोन बना है काफ़ी अच्छा, जो एरिया टीम रेज ऑफिशियल होल्ड कर रखी है। टीम शेडो के पास भी सही जोन, वहाँ से बहुत सारी टीम्स एंटर होंगी। शेडो चाहे तो बहुत अच्छी यहाँ से गेट कीप कर सकती है। ऑलमोस्ट सारी टीम्स आउट ऑफ द जोन है। सोर्स एंड VHS की बात करें तो एज ही होंगी, वो 80 मीटर दूर हैं जोन से, तो वो इजी वे में जोन में आ सकती हैं। रेज ऑफिशियल भी एक मिड ऑफ द जोन है, शेडो की टीम एक एज ऑफ द जोन है, वो भी मतलब जोन में है। तो 4 टीम्स के अलावा बाकी सारी टीम्स आउट ऑफ द जोन बोलूँगा जी हाँ, बाकी सारी टीम्स को जोन में जाना। बाकी टीम वैनम हमेशा की तरह एक अर्ली रोटेशन, मेजर की टीम भी वुड कैम्प के एरिया से रोटेशन डालेगी। रेज इटाजी जो रेज सेकंड के लिए सोलो प्लेयर अभी अपने आप को सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। टीम एस टू फोर वर्सेस फेथ, यहाँ पे ये इस फाइट का अब नतीजा आने वाला है। डार्क फेथ के नोक हो चुके हैं, टीम फेथ 2 मैन स्क्वाड बचेगी। स्विच एंड एमपी क्या वो कर पाएंगे यहाँ पे 2v3, ये एक उन्होंने भी नोक करा था यहाँ पे, एमपी एक और नोक भी देना, यूजी निकाल चुके हैं। यहाँ पे स्विच भी नोक हुए हैं फेथ के एमपी ने, फिनिश ऑफ भी डाल दिया एंड गन स्विच फेथ के एमपी फिलहाल फिनिश ऑफ होंगे। किल जरूर लेके गए हैं वो, अपना लास्ट प्लेयर नहीं था यहाँ पर, बाबा नॉकआउट पड़ा हुआ है। सेफ्रोन को रिवाइवल दे देगा। टीम एस टू फोर 6 किल निकाल चुकी है। TW ऑफिशियल वर्सेस टीम नाग होता हुआ यहाँ पे रोटेशन के बीच फाइट। टीम TW ऑफिशियल एक अली रोटेशन डाल के एज ऑफ द जोन पे बैठी हुई है और गेट कीप करती हुई, यहाँ गेट के भी पूरा करते हुए टीम नाके प्लेयर को नॉक किया था उन्होंने। रिवाइवल टीम नाके प्लेयर्स को मिल जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे 4 प्लस उनके हो चुके हैं, रिवाइवल में हैं। 14 टीम 44 प्लेयर्स हमारे बचेंगे। पीछे टीम CHB आती हुई और CHB के प्लेयर भी नॉक करेंगे यहाँ पे टीम नाके प्लेयर को। 7 के SG भी यहाँ नज़र आ रहे हैं यहाँ जो सोलो हैं और वो किल लेना ज़रूर चाहेंगे। मिस्टर सोलो लीवलर का 7 SG करते हुए किल कन्फर्मेशन, गन जाएगी उनकी रिलोडिंग पे, उनके पास में आएंगे प्लेयर्स यहाँ पे अपूर्व भी आएंगे। देन सी टीम 7 एज एलिमिनेटेड #14 गाइस, एक किल जरूर लेके गया टीम 7 SG, एक पॉइंट का इजाफा यहाँ टीम 7 को जरूर दिला के गया है वो प्लेयर। टीम भी फिलहाल 4 मैन स्क्वाड के साथ फाइट अभी इंगेज नहीं किया है। 13 टीम 42 प्लेयर्स यहाँ फुल कॉम्पिटिटिव गेम यहाँ पर चलता हुआ, बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पर टीम्स का चल रहा है हमारी। TW ऑफिशियल वर्सेस यहाँ पे CHB भी होता हुआ और VHS से फाइट ले रही है हमारे टीम टीम यहाँ पर सोर्स। यहाँ चलते हैं CHB की और CHB वर्सेस TW ऑफिशियल एंड नाक के प्लेयर्स भी वहाँ मौजूद। TW ऑफिशियल फिलहाल CHB के ऊपर एलिमिनेशन ले चुकी है, यहाँ CHB एलिमिनेट होगी। यहाँ टीम नाक के प्लेयर भी प्ले जोन से नॉक हुआ जरूर है, रिवाइवल यहाँ पे 2 प्लेयर टीम नाक के भी डाउन पड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे 3 पार्टीज एक दूसरे से फाइट ली थी। ब्लैक डो फिर यहाँ पे प्ले जोन से नॉक हुए हैं, ब्लैक डो को रिवाइवल होगा कि नहीं वो पहले अर्वन चैम्प को रिवाइवल दे जाएगा। बीबी बाबा यहाँ पे टीम बीबी 4 मुस्टेके से फाइट लेते हुए, लेकिन यहाँ टीम CHB के प्लेयर्स अभी भी अलाइव है क्या? आई थिंक स्काई लाइव थे टीम। फिलहाल टीम सोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में, टीम एज ऑफिशियल उनके ऊपर नो गैन फिनिश ऑफ ले चुकी है। यहाँ पर एग्री के ऊपर पर्थ एंड अजीत बचेंगे 2 प्लेयर्स। फिलहाल टीम 4 मुस्टेकर्स बचेगी, 11 टीम्स 34 प्लेयर्स, 34 प्लेयर्स 11 टीम्स बची हैं हमारी। 4 मुस्टेकर्स अभी यहाँ होल्ड करती नजर आएगी टीम वानम के प्लेयर्स। यहाँ डुओ मैन स्क्वाड बच जी नहीं डू तो नहीं बचेगा उनका, 3 मैन स्क्वाड बचेगा। टीम सोर्स भी वो डुबो बचेगी, VHS के प्लेयर टीम 4 मुस्टेकर से फाइटिंग एज करते हुए VHS यहाँ पे एजेंट 47 को नोक कर चुके हैं। मेजर यहाँ मेजर के आमिर यहाँ एक और नोक निकाल चुके हैं अजीत के ऊपर।
पर 3 रिवाइवल देंगे, लेकिन वैनम वर्सेस यहाँ पे होता हुआ, वैनम वर्सेस एस टू फोर, वैनम से ऐसी निकाल चुके हैं पहला नोक एस टू फोर के ऊपर। बाकी यहाँ पे एलो क्यू प्लेयर एस टू फोर बाबा को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, शेडे गए एस आर डी यहाँ नोक करते हुए एक प्लेयर्स को, और टीम वैनम के ऊपर यहाँ जोन वैनम के ऊपर करता हुआ। एलो क्यू प्लेयर को हील अप करना ज़रूरी, जोन में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। एज ऑफिशियल भी यहाँ पे फाइट इंगेज करेगी, किल्स उठाने की बहुत अच्छी बारी, शेडो की टीम यहाँ से फिनिश ऑफ होती नजर आ सकती है जोन का स्कैम। टीम सेफ्रोन यहाँ पर चढ़ता हुआ जा रहा है, वैनम हंटर नोक होगा, वीएचएस कप्तान यहाँ पे टीम फोर मुस्तिकर से फाइट ले रहे हैं, रेज के प्लेयर्स या बीबी के प्लेयर्स भी यहाँ पर फाइट इंगेज कर रहे हैं, मल्टीपल फाइट्स चलती हुई। मेजर आमिर सोस्पत को नोक करेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे नहीं, प्ले जोन से वैनम हंटर फिनिश ऑफ होंगे, सैजी एन एलो के प्लेयर, दो प्लेयर्स बचेंगे। पर्थ यहाँ टीम सोस एलिमिनेट होगी, टीम वीएचएस करेगी उसको एलिमिनेटेड, एंड टीम शेडो भी एलिमिनेट होगी विद द प्ले जोन। टीम बीबी के प्लेयर प्ले जोन से नोक हुए हैं, टीम सेफ्रोन का प्लेयर रेज ऑफिशियल के लिए मुश्किल में डालेगा, सेफ्रोन अकेला प्लेयर है वो रेज ऑफिशियल को मुश्किल में डाल के जा रहा है वो, क्योंकि टीम रेज ऑफिशियल एक नोक है, दो प्लेयर्स अभी भी हैं उनके। टी डब्ल्यू ऑफिशियल की बात करें तो वो भी इस जोन में यहाँ रखेगी, तीन ही 3 मैन स्क्वाड के साथ। वैनम से ऐसी हो चुके हैं प्ले जोन से नोक, टीम वैनम हैज एलिमिनेटेड विद द प्ले जोन, 7 टीम्स 14 प्लेयर्स। यहाँ रेज ऑफिशियल यहाँ फाइट लेती नजर आएगी हमें, डेविल यहाँ प्ले जोन से नोक हुए हैं, हिटमैन सोनू को अभी तक रिवाइवल नहीं दिया गया है, मेजर आमिर भी यहाँ फाइट इंगेज कर रहे हैं, हिटमैन को नोक करेंगे पीछे से आकर टी डब्ल्यू ऑफिशियल के प्लेयर। टी डब्ल्यू ऑफिशियल क्लोजिंग कर रही है रेज के ऊपर, रेज के पी के पी अकेले बचेंगे अपनी टीम के लिए, सोलो मैन स्क्वाड सोलो सर्वाइवल। यहाँ रेज के पी के पी यहाँ अभी होल्ड करेंगे, फिलहाल उनके ऊपर चार्जिंग भी हो रहा है, वो भी थोड़ा देखना होगा। टी डब्ल्यू निंजा ओपी आते हुए, लेकिन एम के 14 की पड़ेगी, टी डब्ल्यू इम्तियाज ओपी उनको फिनिश ऑफ कर देंगे। सेफ्रोन अकेले बचे हुए, रेज पी के पी का किल वो लेके गए हैं थर्ड पार्टी के ले बते हुए, बीबी के तबिश भी जाते हुए टी डब्ल्यू निंजा ओपी की तरफ से। टी डब्ल्यू ऑफिशियल कल का गेम जैसा गया था, लेकिन वी एच एस का भी यहाँ पे हमें टॉप 3 में देखने को मिलती हुई वी एच एस। यहाँ 4 किल्स टीम वी एच एस के पास, टी डब्ल्यू ऑफिशियल के पास 8 किल्स हैं। टीम एस टू फोर की बात करें तो सेफ्रोन अपनी टीम को है टॉप 3 में ले आ चुके हैं, 7 किल्स उन टीम के पास, 3 किल सेफ्रोन के पास। यहाँ 3v3v1 जोन की बात करें तो थोड़ा जोन टी डब्ल्यू ऑफिशियल को भी आना है, और थोड़ा जोन में टीम वी एच एस को भी आना है। सेफ्रोन एक अभी तक अच्छे जोन में थे, जोन अब कट चुका है, तो तीनों ही टीम्स को यहाँ थोड़ा दूर होगा टी डब्ल्यू ऑफिशियल के लिए। वी एच एस चाहे तो यहाँ पे जोन उनका गेम उनका हो सकता है, इम्तियाज ओपी जोन से निकलना चाहते थे, वी एच एस एनिग्मा उनको वन टे M16 की शॉट्स देंगे और लो करेंगे उन्हें हाफ एच पी। यहाँ टी डब्ल्यू के दो प्लेयर्स जोकर ओपी एंड निंजा ओपी होल्ड करके रखेंगे, टीम वी एच एस के एनिग्मा के सामने होंगे वो, स्पॉट होंगे एनिग्मा, शायद नोक भी हो सकते हैं बिल्कुल। टी डब्ल्यू जोकर ओपी का स्प्रे जाएगा, M16 एंड M4 की बात थी यहाँ पे, 12 सेकंड बाकी हैं, रिवाइवल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एस पिन करके रखे हुए हैं, एस रिवाइवल के लिए जा चुके हैं, कप्तान यहाँ पे अभी यहाँ कप्तान भी होल्ड करे हुए हैं बिल्कुल। वी एच एस एनिग्मा को फिनिश ऑफ भी डाल चुके हैं टी डब्ल्यू के इम्तियाज ओपी, टीम वी एच एस दो मैन स्क्वाड के साथ आते हुए, लेकिन सेफ्रोन एक गेम ख़राब कर सकते हैं टीम वी एच एस का बिल्कुल, वो काम ख़राब करेंगे सेफ्रोन, लेफ्ट हैंड साइड चाहेंगे, लेकिन सेफ्रोन को बहुत ही अच्छे तरीके से वी एच एस कप्तान देखेंगे एंड फिनिश ऑफ कर देंगे। सामने टी डब्ल्यू का प्लेयर भी एक नॉकआउट पड़ा हुआ है, यानी कि 2v2 फाइट होते हुए अब टी डब्ल्यू के प्लेयर से, टी डब्ल्यू का प्लेयर अभी जोन में नहीं है वो भी। यहाँ निंजा ओपी नॉकआउट पड़ा हुआ है, जोकर ओपी एक जोन में आ चुका है, ये एक वी एच एस के एस ने इम्तियाज ओपी को नोक निकाल दिया है, जोकर ओपी अब एक अकेला प्लेयर, वी एच एस कप्तान 1v1 फाइट, टीम वी एच एस या टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल। वी एच एस कप्तान फिलहाल करेगा अपने आप को फर्स्ट एड पॉप, एंड वी एच एस कप्तान ने स्प्रे डाला, प्ले जोन से एलिमिनेट होगा। टी डब्ल्यू ऑफिशियल गेट अ चिकन डिनर ऑन द सैन ओक मैप, ओपी गेम प्ले बाय टी डब्ल्यू ऑफिशियल, 10 किल्स के साथ चिकन डिनर। हैशटैग 2 पे आएगी वी एच एस की टीम, एंड टीम एस टू फोर हैशटैग 3 पे आएगी वी बी बी देन रेज ऑफिशियल मेजर, एंड बाकी टीम्स हमारी आएंगी इसी तरीके से। मैंने उनके 4 किल्स है, शेडो भी 5-6 किल्स लेके बैठे हैं।